धनबाद पुलिस लाइन में एसएसपी हरदीप पी चनारदा ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पर चर्चा की और धनबाद पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी साझा किया। वहीं एसएसपी ने धनबाद पुलिस की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि एक वर्ष में 130 पुराने कांडों का निष्पादन किया गया है। 248 अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाई गई है। पुलिस योजनाबद्ध तरीके से संगठित अपराध पर रोक लगाने का काम कर रही है। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में धनबाद का उपायुक्त महोदय के साथ साथ सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, जिला का डीएफओ साहब और बाकी पदाधिकारी सब रहा है। पिछले एक वर्ष धनबाद पुलिस के लिए बहुत बेहतरीन रहा। पुलिस के द्वारा बहुत कांडों में गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान एवं अभियान चला के बहुत शातिर क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे कर दिया। उसके साथ साथ बेहतर पुलिसिंग करने के लिए पब्लिक का सहयोग पुलिस को मिलने के तहत भी हम लोग बहुत कार्यक्रम किया गया। खास करके हम लोग स्कूल में लगातार पुलिस की पाठशाला के थ्रू हम लोग कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां हम लोग आज के दिन में स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा लोगों को पुलिस के प्रति एक मित्रता का भाव प्रिक्रिएट करने का कोशिश हम लोग कर रहा। इसके साथ साथ गाँव और दूर दराज एरिया में जहाँ आपका नशे का इस्तेमाल ज़्यादा है, जुआ है, कुछ कुछ छोटा छोटा क्राइम होता है, घरेलू हिंसा होता है, इसका रोकथाम के लिए भी हम लोग गाँव में भी जाके गाँव का लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। हमारा पुलिसिंग में बीसीसीएल का भी सहयोग हमको भरपूर मिल रहा है। बीसीसीएल के द्वारा अभी धनबाद पुलिस को 30 बाइक पेट्रोलिंग के लिए देने का बात हुआ, MOU साइन हुआ है, वो बाइक हमको जल्दी मिल जाएंगे। और बीसीसीएल और कुछ कुछ अगर पुलिसिंग यहाँ सुधार करने के लिए क्या क्या व्यवस्था ज़रूरत है, बीसीसीएल हम लोगों से डेटा मांग रहा है, उसके आधार पर CSR के तहत कुछ और काम बीसीसीएल के द्वारा पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। अभी धनबाद पुलिस का पहल यही है कि जो धनबाद खास करके धीरे धीरे अर्बनाइज हो रहा है, अभी अर्बन क्राइम यहाँ पर बढ़ गया है। जो रूरल टाइप का क्राइम होते थे, जैसे कि आपका लूट डकैती, धनबाद में अभी बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर चोरी, यहाँ पे ज़्यादातर चेन चिंताई, यहाँ पे घरेलू हिंसा टाइप का कांड बढ़ रहा है। इसको भी रोकथाम हेतु धनबाद पुलिस के द्वारा कोशिश कर रहा है। हम लोग हमारा ऑफिसर और जवान लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपना काम अच्छे तरीके से करने के लिए। जो नया जो एक्ट आया है उस पर भी हम लोग सबको ट्रेनिंग दिया गया है। धनबाद पुलिस तत्पर है यहाँ का पब्लिक को मदद करने हेतु एवं यहाँ पे एक भयमुक्त माहौल क्रिएट करने। सर, कुछ पुलिसकर्मियों में धनबाद बहुत भयमुक्त माहौल में, बहुत स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण एक इलेक्शन करवाया था, उसमें हमारा इलेक्शन सेल का पदाधिकारी के द्वारा बहुत अच्छा मेहनत करने के कारण ये हुआ है। इसमें DC महोदय के द्वारा हमारा 2 ऑफिसर को सम्मानित किया गया। इसके अलावा हमारा इलेक्शन सेल में टोटल 8 आदमी हैं, इसको मेरे द्वारा सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू।